सो आज हम जानेंगे करेक्ट वे, एक करेक्ट मेथड क्या है एक डिजीज कंडीशन को स्टडी करने का. सो हाउ टू स्टडी अ डिजीज कंडीशन. अब क्या होता है, बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, बट अभी तक उन्हें ये नहीं पता है कि MSN को किस तरीके से हम स्टडी करेंगे. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, उनका एक करेक्ट मेथड क्या है, एंड ना ही आपको टीचर्स बताएंगे कि करेक्ट वे क्या है, डिजीज कंडीशन को किस वे में हम स्टडी करेंगे, उनके क्या स्टेप्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, फर्स्टली आपको क्या करना है, यू शुड नो अबाउट द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. तो आप लोग क्या करते हो, आगे दौड़ते हो पीछे छोड़ते हो, मतलब एनाटमी फिजियोलॉजी जो आपने स्टडी की है वो आप सेकेंड ईयर में आके एकदम रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ बस अब वो हमने छोड़ दिया है सब्जेक्ट, अब हम नए सब्जेक्ट्स करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं करना है. ठीक है, जो आपने जो भी अभी तक स्टडी किया हुआ है उसको रिकॉल जरूर करते रहें. तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो डिजीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको कोई भी अगर आप डिजीज कंडीशन स्टडी कर रहे हो उस सिस्टम का आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट का टॉपिक लेते हैं तो आपको फीटल सर्कुलेशन पता होना चाहिए. उससे पहले आपको हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, हार्ट के बारे में सब कुछ. तो उसके बाद जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी जान लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इंटेस्टाइन के क्या फंक्शंस होते हैं, इंटेस्टाइन की एनाटॉमी क्या है, पोजिशन क्या होती है, इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में आपको जरूर से नॉलेज होनी चाहिए. सो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होगी तो क्या होगा, आपके लिए डिजीज कंडीशन को स्टडी करना इजी हो जाएगा. देन कैप्ट इन माइंड फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गन. तो जिस भी सिस्टम के हम डिजीज कंडीशन स्टडी कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गन की डिजीज हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन की करेंगे तो इंटेस्टाइन में क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकती है. लंग्स की अगर हम बात करें तो प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. तो हमें उन फंक्शन उन ऑर्गन के फंक्शंस पता होने चाहिए. फंक्शंस में कुछ अगर गड़बड़ी आ जाएगी तभी तो एक डिजीज क्रिएट होगी. इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमें इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीवर की बात करें तो हम SGOT, SGPT, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं. तो उसमें हमें उनके अबनॉर्मलिटीज को जानने के लिए हमें उनके फंक्शंस पता होने चाहिए. अब हमें क्या करना है, देन स्टडी द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज. अब देखिए, जब हमने फंक्शंस भी जान लिए हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी जान ली है, जिस भी सिस्टम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके जो कॉमन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, उनकी नॉलेज हमें होने चाहिए. जैसे चेस्ट एक्सरे है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी किस तरीके से की जाती है, चेस्ट एक्सरे हम किन चीज़ों को जानने के लिए करते हैं, तो वो आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. तो चेस्ट एक्सरे का जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो चेस्ट एक्सरे में हम क्या क्या देख सकते हैं. ठीक है, तो अब आपको उस पर्टिकुलर डिजीज का मीनिंग जानना है. मीनिंग जान लोगे तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा. जैसे कुछ सफिक्स होते हैं, जैसे आइटस है, ओटमी है, ओस्टमी है, तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. अगर आपको एक पार्टिकुलर डिजीज का मीनिंग पता लग गया, फॉर एग्जाम्पल प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन इसमें क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है लंग्स के अंदर, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि पानी भरना लंग्स में, तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में. तो अगर हमें इसका मीनिंग पता है तो हम इजिली इसके साइन एंड सिम्टम्स हम खुद से ही बता पाएंगे, क्योंकि हमें लंग्स की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता है तो इजीली हम साइन एंड सिम्टम बता पाएंगे. जैसे डिस्निया, प्लूरल इफ्यूजन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो होगी ही. तो इस तरीके से अगर हमें मीनिंग पता होंगे तो हम साइन एंड सिम्टम जान पाएंगे. और उससे पहले मैंने बताया था डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो कॉमन हमें पता ही होनी चाहिए, तो वो भी हमें ऑलरेडी पता होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं, देन स्टडी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी. अब हमने मीनिंग जाना, अब हम ये देखेंगे कि जब एक नॉर्मल फंक्शन कर रहा था वो ऑर्गन, अब उसमें कौन से चेंजेस आए हैं, नॉर्मल फंक्शंस में कौन से चेंजेस आए हैं जिसके लिए हमें डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करनी होगी, कि उस डिजीज कंडीशन की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है बॉडी में. ठीक है, बॉडी में से कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाएंगे, कंक्लूजन निकालना है. डिजीज का कंक्लूजन क्या निकलता है, पैथोफिजियोलॉजी उसे हम बोलते हैं. टेक अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द डिजीज. उसके बाद देखिए, साइन एंड सिम्टम आप अपने आप से बता पाओगे, और अगर रीड करोगे डिजीज को कंप्लीट, एक रिव्यू लोगे डिजीज का,
तो आपको बहुत अच्छे से साइन एंड सिम्टम्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आपको फंक्शंस पता है. देन आपने पैथोफिजियोलॉजी देखी जिसमें आपको ये भी पता है कि नॉर्मल फंक्शन से हटकर और बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस डिजीज कंडीशन का. तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन आप लोग पहले ही कर चुके होंगे. मैनेजमेंट भी अगर आप रीड करते हो अपनी बुक से तो आपको बहुत अच्छे से डिजीज क्लियर हो जाएगी. ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा. अगर हमें ये नहीं पता है कि पहले हमें क्या स्टडी करना है एक डिजीज कंडीशन को जानने के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो रट्टाफिकेशन करते हैं. डिजीज कंडीशन खोली, फटाफट से डेफिनेशन को लर्न करने लग जाएंगे, देन साइन एंड सिम्टम्स सोचेंगे कि नहीं ये तो एक ही सिस्टम है तो हम कॉमन कॉमन लर्न कर लेते हैं. उसके बाद मैनेजमेंट को भी लर्न करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन तक को भी लर्न करने लग जाते हैं. तो ये बिल्कुल भी करेक्ट वे नहीं है. अगर आप इस तरीके से डिजीज कंडीशन को देखेंगे तो आपको लर्न करने की बिल्कुल नीड नहीं होगी. आपको एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, जो फर्स्ट पॉइंट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जानने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजीली आप डिजीज को, आपको लर्न करने की नीड नहीं होगी, डिजीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी. आप अपनी लैंग्वेज में एक डिजीज कंडीशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे. अब आपके आगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिजीज कंडीशन से MSN का तो आप उसको इजीली कर पाओगे. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.